Vrindavan Hari Lal Ki Jai. Shri Radha Girdhari Dev Jani Ki Jai. Shri Bidagdha Madhab Granth Ki Jai. Shri Nitai Gaur Hari Bol. Shri Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Shri Radha Raman Hari Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Govind Jai Jai Gopal Jai Shri Radha Raman Hari Govind Jai Jai Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Om Namo Bhagavate Purana Purushottamaya Om Jayati Parashar Sunuh Satyavati Hridaye Nandano Vyaso Yasyasi Kamalgaltam वाक्मय ममृतम जगत पिवति विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगत धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देहं श्री गुरो श्री पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च Shrivukam sakrajatam sahagana raghunathan vitamtam sajivam sadvaitam sabudhutam parijanasahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan sahagana lalta Shri Vishakam vitanischa Agyana tiniramdhasi jnananyan shalakaya chakshurumiritam yeno tasmai Shri Gurve Namah Patra patra vicharanam nakurte नस्वं परम वीक्षते देया दे विचारणो नहिनवा काल प्रतीक्षक प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रमन ध्यानादि विर्दुर्लभम दत्ते भक्ते रसम सैव भगवान गौरह परम नोगति नारायण नमस्कृति नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तपो जयवीरये वांछाकल्पभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुंतु मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम सुंदर श्री बिदग्ध माधव नाटक श्री श्याम सुंदर ने जिस समय बंशी बजाई श्री प्रिया जी बंशी को लेकर के उलाहना दे रही हैं बंशी को प्यारी बंशी तेरा सुंदर वंश में जन्म हुआ फिर तूने ऐसा तेरा काम क्यों धारण किया है तेरा और धनुष दोनों का वंश से जन्म है धनुष ज्यादा अच्छा है तू इतनी अच्छी नहीं है तो धनुष तो एक बार मार दे परंतु तू अधमरा करके छोड़ती है तरसाती है श्री किशोरी जो जिस समय श्री श्याम सुंदर का कटाक्ष के साथ में दर्शन करती है मानो षोडशोपचार से पूजन करती हुई विराजमान हो रही है
श्री श्याम सुंदर एकदम विमोहित हो रहे हैं और श्री विशाखा जी 17वें श्लोक में पिछली बार कह आई थी, 17वें श्लोक ऊपर कराई थी कि कह रही है कि अरी सखी तेरे कटाक्ष रूपी अग्रगामी सैनिकों ने ही जब श्याम सुंदर को पराजित कर दिया है तो अब विलासों के वृंदों को अब आगे तुझे विलास को प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। जैसे युद्ध में जो आगल पंक्ति होती है, अग्रगामी पंक्ति होती है, उसको हारल कहते हैं, हारल सेना जो सबसे पहले आक्रमण करती है, और अग्नि पंक्ति में होती है सारी चोट को भी सबसे पहले सहन करती है, तो वो जो अग्रिम पंक्ति उसने ही यदि श्याम सुंदर को पराजित कर दिया है और विजय लाकर के तेरे हाथ में सौंप दी है तो फिर राजा को पराक्रम करने की आवश्यकता क्या है। उसकी आगे की पंक्ति ने ही यदि विजय प्राप्त कर ली है तो पीछे की सेनाओं को भी लड़ने की क्या आवश्यकता, और फिर राजा को तो लड़ने की आवश्यकता होगी काहे को। आगे आगे जो चल रहे थे पहली लाइन उसने ही जब शत्रु को जीत लिया तो वशी चक्रे कृष्णस्तव परमल एव बल भी, बलवान तेरे अंग की परमल माने सुगंध ने ही कृष्ण को वशीभूत कर लिया था। इसलिए हे सखी विलासानां वृंदम कथम मुधा कंदलयसि, तू अपने विलास के वृंद को आगे दिखाने की क्या आवश्यकता है। कंदलयसि माने क्यों उनका विस्तार कर रही है, आगे विस्तार विलासों के वृंद को प्रस्तुत करने की तुझे आवश्यकता ही नहीं है विलासों के वृंद को, क्योंकि जय पाणव दत्ते रण पटु ही अग्रेसर बधई, क्योंकि अग्रेसर हारल सेना के जो सैनिक थे उनने ही अग्रेसर माने आगे आगे चलने वाले, भटई माने जो शत्रु का जो सैनिक हैं उन्होंने ही जय पाणव दत्ते विजय को तेरे हाथ में सौंप दिया है, तो बता स्वयं को विक्रांति पुनरेजीविषु प्रणयति, कौन सा ऐसा राजा है जो कि जिगीषु माने जीतने की इच्छा करने के लिए स्वयं पराक्रम करेगा, उसकी सेना ही आगे की ऐसी है कि वो ही सब कर लेती है, सेना ही सब कुछ कर लेगी, उसने विजय लाकर के दे दी तो पीछे वाली सेना को तो लड़ने की जरूरत है ही नहीं। अतः तेरे सुगंध ने ही श्याम सुंदर को पराजित कर दिया, तो अब कटाक्ष और हाव भाव विभिन्न चेष्टा इनको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे परमल से ही वशीभूत हो गए हैं, और उसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे अग्रेसर पटु आगे चलने वाले जो सैनिक हैं उन्होंने जब विजय प्राप्त कर ली तो पीछे के सैनिक उनको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा की विजय अपने आप हो जाएगी, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। श्री राधिका कह रही है कि आई दुर्मुखी पतितास्मि संकटे, मैं तो संकट में पड़ी हुई हूं। ये पति अम्मी प्राकृत में जो है उसका संस्कृत अनुवाद होगा पतितास्मि, मैं संस्कृत में पड़ी हुई, मैं संकट में मुझे तूने डाल दिया है। पतितास्मि संकटे माम आरोप्य अद्यापि न विश्रांतासि, हाय मुझे संकट में डाल करके अभी भी तू चुप नहीं हो रही है, मैं संकट में पड़ी हुई हूँ, हाय मुझे संकट में पटक करके अभी भी तू तेरा मन नहीं भरा, अभी भी तू चुप चुप नहीं हो रही है। तन निष्कृप हृदयाम त्वाम औज्ञामि अहम्, ऐसी निष्कृत हृदयाम जिसके हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं है
ऐसी तुम सखियों के साथ में मैं नहीं रहना चाहती हूं। तो निष्कृप हृदय जिनके हृदय में कृपा नाम का लेश मात्र भी नहीं है, जरा भी दया नहीं है, तो हम औज्ञामी अहम तुमको अव मैं उज्ञामी माने त्याग करती हूं, अहम मैं तुमको अब त्याग करने के लिए जाओ जाओ मैं तुमको छोड़ रही हूं, ऐसा कह रही है। अब कहीं छोड़ेगी, एक मिनट भी छोड़ सकती है, कह रही खूब कि तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, ऐसी सखियों को अपने साथ में रखकर के क्या करूंगी, अतः त्वाम औज्ञामी औज्ञाम अहम तुम्हें मैं क्या कर रही हूं, त्याग कर रही हूं। इस विशाखा को मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूं, विशाखा को मैं छोड़ रही हूं, मैं तो ललता की शरण ग्रहण कर रही हूं। स्निग्ध प्रिय सखी ललता शरण प्रविशामी, अब तो ललता मेरी रक्षा करेगी, ये विशाखा तो कभी मेरी तरफ बोलती है और भीतर से मालूम पड़ता है ये श्याम सुंदर से कुछ घूस खा करके बैठी हुई है, तो श्याम सुंदर की तरफ भी बोलने लगती है। इसलिए अब मैं ललता की शरण ग्रहण करती हूँ, इस विशाखा की शरण ग्रहण नहीं करती हूँ, क्योंकि ये विशाखा कहीं श्याम सुंदर के साथ में मिली जुली है, उसने श्याम सुंदर के साथ में कहीं इसने घूस खा ली है, इसलिए इसकी शरण से काम नहीं चलेगा, इसके हृदय में दया है ही नहीं। ऐसा कहकर के श्री राधिका कह रही हैं कि अरे ललता मुझे तेरे ऊपर बड़ा विश्वास है और था, तेरे ऊपर विश्वास था और अभी भी तेरे ऊपर ही विश्वास है, और किसी सखी के ऊपर ये विशाखा इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि अत्रायांतम चलम पे हरिम लोकयंती बलिष्ठाम त्वाम आलभ्य प्रिय सखी घने नास्मि कुंजे निर्लीना। बोले अरे सखी बलिष्ठाम त्वाम आलभ्य, तू मेरी सखियों में सबसे ज्यादा बलवान है और तेरा सहारा लेकर के त्वाम आलभ्य तेरा सहारा लेकर के मैंने जब ये देखा कि अत्रायांतम चलम अपि हरिम कि ये हरि श्याम सुंदर बड़े चंचल हैं चल हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं, अत्र आयांतम मेरी तरफ आ भी रहे हैं और चलम माने चंचल भी हैं और हरि माने बदनाम भी हैं, इन्होंने माखन चुराए गोपियों के वस्त्र चुराए मनोहर होकर के विराजमान हैं, हरण करने वाले होकर के विराजमान हैं, तो इन हरि का अपने पास में आते हुए देख करके भी मैं जरा भी नहीं झिझकी और यही की यही डटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि बलिष्ठाम त्वाम आलम्ब्यो तू बलवान है तेरा सहारा लेकर के मैं खड़ी रही। अरे प्रिय सखी घने नास कुंजे निलीना, मैं इस घनी कुंज में छिप करके मैंने अपने रक्षा नहीं की, कुंज में मैं नहीं छिपी, तेरे भरोसे यही खड़ी रही हूं। श्री ललता जी मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते हुए कह रही है सनर्म स्मितम प्रयास पूर्वक कह रही है कि अस्मान मुग्धे हृदय नेता अद्य पीताम बराते शक्रो नान्य कुछ परिचय मत पुरो मा व्यतिष्ठा। बोले अरे सके तुझे जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूं तब तक तैने जो पल्लू ले रखा है अपने बक्षस्थल के ऊपर, उस तेरे साड़ी के तेरे अंचल के पल्लू को के अतिरिक्त है कोई की हिम्मत जो तेरे बक्षस्थल का स्पर्श कर जाए। ये तो कह रही है पीताम्बर के विषय में कि तेरे पीताम्बर के अतिरिक्त कोई तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है, और श्लेष में कह रही है क्या कि मैं जब हूं तो पीताम्बर माने श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई तेरे वक्षोजो का स्पर्श कर सकने में समर्थ नहीं होगा, अर्थात श्याम सुंदर से ही तुझे मिलाऊंगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो श्लेष में कह रही है ये परिहास है, कितनी मीठी हंसी कि अरे सखी मैं जब तक हूं तब तक पीताम्बर के अतिरिक्त, अब पीताम्बर के दोनों अर्थ हो जाएंगे, पीताम्बर माने वस्त्र पीला वस्त्र और पीताम्बर का ये अर्थ हो जाएगा श्याम सुंदर,
बता श्याम सुंदर के अतिरिक्त तेरा स्पर्श कर सकने में कोई दूसरा समर्थ है क्या? चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई भी तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है, इस पीताम्बर के अतिरिक्त कोई तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। श्लेष का कितना सुंदर, पीताम्बर शब्द में कितना सार्थक प्रयोग, के आसमान मुग्धे हृदय नेता। अरे सखी, तूने अपने वक्षस्थल के ऊपर जो पल्लू ले रखा है उस पल्लू के अतिरिक्त पीताम्बर हृदय नेता अपने हृदय के ऊपर डाले हुए इस वस्त्र के अतिरिक्त ते शक्तो नान्य कुल कुछ परिचय, तेरे वक्षोजों का परिचय प्राप्त कर सकने में शक्तो नान्य अन्य न शक्ता कोई दूसरा समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। मत पुरह, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ माँ व्यतिष्ठा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और श्लेष में कह रही है कि श्याम सुंदर से ही तेरा परिचय कराऊंगी, श्याम सुंदर से ही तुझे मिलन प्राप्त कराऊंगी, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक तेरे वक्षस्थल के ऊपर जो पल्लू है उस पल्लू के अतिरिक्त कोई तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। पीताम्बराते, ये पीताम्बर कहकर के बड़ा सार्थक श्लेष में प्रयोग किया। श्लेष अलंकार का पीताम्बर के दो अर्थ हो गए, पीताम्बर माने पीला वस्त्र और श्याम सुंदर। इसी तरह से पीताम्बर का एक अर्थ हो गया जहां कोई सार्थक विशेष भाव को प्रकट करने वाला विशेषण दिया जाए वहां पर होता है परिकर अलंकार। साभिप्राय विशेषण होने पर परिकर अलंकार होता है, तो पीताम्बर शब्द ये कृष्ण के लिए जो विशेषण दिया गया वो साभिप्राय होकर के ही विराजमान है, अर्थात पीला वस्त्र जब उन्होंने धारण कर रखा है उन श्री श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। माँ व्यतिष्ठा, तुझे व्यथा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण एकदम आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर कहते हैं कि कल्याणी काले लब्धासी, हे कल्याणी बड़े दिन में दर्शन हुए हैं, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। काले लब्धासी, बड़े दिन में आज आपकी ये रूप माधुरी सामने आई है, ऐसा कहकर के राधा अनुसरपति श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के पास में जो आगे बढ़ते हैं, श्री व्रंता साटोपम ओ ऑटो माने जरा क्रोध सा प्रकट करते हुए आवेश प्रकट कर ऐसे आवेश सातोप आवेश जो है उस आवेश को प्रकट करते हुए कृष्णम वारयन्ति, श्री कृष्ण को आगे आकर के रोकती है और कह रही है कि छैल, अरे छलिया, हे कृष्ण, छैल माने हे छलिया, अरे छलिया, वयं ताखल मुद्रिका मुग्धिका या त्वत्तोपि सुष्टु बिभ्यति, तुमने क्या हमको भूली भागी मुग्धा वो धन्यारे कन्यागर समझ रखा है, जो कात्यायनी व्रत करने वाली थी, हम वो बालिका नहीं है। सो वयं ताखल मुग्धिका, हम क्या वो मुग्धा नायिका हैं? मुग्धिका माने वो अनूढ़ा छोटी छोटी सी जो बालिका थी, चार चार पांच पांच वर्ष की जिनकी अवस्था थी, हमको तुमने क्या वो धन्या समझ रखा है, धन्या आदि समझ रखा है क्या? हम मुग्धिका नहीं है जो तत्वों पर सुष्टु विभेदी तुमसे एकदम भयभीत हो जाए और तुमने दृढ़ उपलब्धा कृपया चाहता प्रस्तोभिता क्रीडन बच्चे कार्यता, तुमने जो कहा इस तरह से हम तुम्हारी बात में आने वाली नहीं है। जान लेना एशास्मी प्रसिद्धा ललता, मैं मुग्धा नहीं हूं, मैं तो प्रसिद्धा ललता हूं, हम तो ललता है ललता परिहास योग्य अस्माकं प्रिय सखी, हमारी जो प्रिय सखी है वो आपके परिहास के योग्य नहीं है,
हमारी सखी से परिहास मत करना, ऐसा कहते हुए ललिता जी आटो कट करती हुई वारयंती वारण कर रही है श्री तापे ही, इसलिए दूर हट जाओ दूर हट जाओ, अपे ही माने दूर हट जाओ। और इसको सुनकर के कृष्ण कह रहे हैं मुस्कुराते हुए कि ललते नेदम गोष्ठांगणम, ये तुम्हारे गोष्ठ का आंगन नहीं है, पश्य वृंदाटवी कुक्षी असौ, समझ लो इस समय तुम वृंदावन की बीच में हो और ये वृंदावन हमारी टेरिटरी है, हमारा राज्य है ये, यहाँ पर वो एक लीला है वृंदावन राज्य निर्धारण, तो ये वृंदावन राज्य निर्धारण यहाँ पर वो लीला, उस लीला के कई संकेत श्री विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जी ने अद्भुत माने संकेत कर दिए हैं, अद्भुत कमाल कर दिया है कि छोटी छोटी में जरा जैसे एक एक वाक्य में सुंदर सुंदर अष्टकाल अष्टयाम की जो पूरी लीलाएं हैं उन लीलाओं के जरा जरा से में संकेत कर दिए हैं बहुत संक्षेप, और मितम च सारम च बचो वाग्मिता, उस वाग्मिता का अब यहाँ से एक नई लीला शुरू हो गई कि वृंदावन का राज्य किसके अधीन है। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि वृंदावन का राज्य हमारे अधीन है, कह रहे हैं कि पश्य वृंदाटवी कुक्षी असौ, तुम इस समय हमारी राज्य सीमा में विराजमान हो, वृंदावन की सीमा में मानो। अब इसी का विस्तार फिर आगे कृष्ण दास कविराज और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वे सब करेंगे, बोले वृंदावन का राज्य तुम्हारा कहां से हो गया, वृंदावन के राज्य की स्वामिनी तो हमारी सखी श्री राधिका है। श्याम सुंदर कह रहे वाह वृंदावन का राज्य हमारा हुआ, बोले कोई प्रमाण है, बोले सर्वत्र प्रमाण है कि श्री ब्रजराज ने से जितने भी देवता उन सबों ने प्रार्थना की कि बाबा हमने तुम्हारे पुत्र का गोविंद करके अभिषेक किया है, इन्होंने गोवर्धन धारण किया, गायों की रक्षा की, इसलिए हमने तुम्हारे पुत्र का गोविंद अभिषेक किया है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी अब घोषणा कर दो, और घोषणा करके श्री कृष्ण को ब्रज नवयुवराज करके आप स्थापित करो, ये ब्रज नवयुवराज है ऐसी घोषणा आप कर दो। और उस समय श्री बाबा ने श्री कृष्ण का ब्रज नवयुवराज करके अभिषेक किया छत्रवन में, छाता में, छत्रवन में श्री कृष्ण का बड़ा भारी अभिषेक हुआ और श्री कृष्ण को ब्रज नवयुवराज करके घोषित किया कि भाई हमारे बाद में सारे ब्रज को ये श्री कृष्ण ही संभालेंगे, और अभी भी कृष्ण की जो आज्ञा है वो हमारी आज्ञा ही मानी जाए, राजा का जो नवयुवराज है जिसको यवन युवराज घोषित किया गया उसको सारे अधिकार सौंप दिए गए कि राज्य चलाने का इसको अधिकृत किया जाता है और ये सारे राज्य को शासन करेगा, सब इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ब्रजराज ने जब कृष्ण को नव युवराज करके घोषित किया सारी सखियों के हृदय में भी एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, और उस समय सखियों ने श्री पौर्णमासी जी से कहा कि श्याम सुंदर का जैसे राज्याभिषेक हुआ है ऐसे हम भी श्री विश्वानंदिनी अपनी सखी श्री राधिका का वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक करना चाहती हैं। और उस समय श्री पौर्णमासी जी ने वृंदा जी से कहा कि वृंदा तुम जाकर के पांच जो देवी हैं उन पांच देवियों को बुला करके ले आओ और उन पांच देवियों को उनकी स्थिति में उनके सामने विराजमान होकर के उनकी उपस्थिति में ये अभिषेक किया जाएगा। श्री वृंदा जी गई और वृंदा जी ने श्री मानसी गंगा, श्री यमुना, एकनंशा और सूर्य भगवान की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया इन पांच देवियों को निमंत्रण दिया, और वे पांच देवी जिस समय आई सारे इंद्रकुंज मंदिर को वृंदावन को सजाया गया है, श्री प्रिया जी को अशुचि विद्ध
वस्त्र धारण कराए गए, अर्थात ऐसे वस्त्र जिनमें सुई नहीं गली गई है, माने थान के जो वस्त्र हैं वो थान के वस्त्र धारण कराए। शुचिविद्ध होने पर वस्त्र उतना पवित्र नहीं रहता है, तो अशुचिविद्ध वस्त्र श्री प्रिया को उस समय धारण कराए गए, जिनकी कोर उनको हल्दी में केशर में उनको रंग दिया गया। आप सफेद वस्त्र तो धारण करेंगे नहीं, इसलिए मांगलिक बनाने के लिए उनके कोर कहीं हल्दी में केशर में रंग दिए गए, और उन वस्त्रों को धारण करा करके श्री प्रिया जी को जिस समय स्नान कुंज में पहराया गया, स्नान के पट्टा के ऊपर विराजमान करके जितनी भी सखीगण हैं उन सबों ने, देवियों ने, पांचों देवियों ने विभिन्न तीर्थों के जल ला करके श्री प्रिया का वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक किया, और अभिषेक करके जब श्री राधिका उनके अंगों को अंगोच करके श्री राधिका को ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान किया आकाश में, इतने में ही सरस्वती जी आ गई, और भीतर आने में संकोच कर रही है। द्वारपालिका ने वृंदाव भंडारिका, ये दोनों द्वारपालिका हैं, तो भंडारिका ने आकर के श्री किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस समय सरस्वती जी आकाश में स्थित हैं और वे भीतर आने में संकोच कर रही हैं, क्योंकि हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया है, हमने केवल पांच देवियों को निमंत्रण दिया है, सरस्वती जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसलिए इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वे आ तो गई हैं परंतु भीतर आने में संकोच कर रही हैं। श्री किशोर जी बड़ी उदार बोले, नहीं बुला लो बुला लो, और जिस समय श्री सरस्वती जी को बुलाया, सरस्वती जी के हाथ में परम सुंदर एक पेटिका है, वो पेटिका संदूक है, वो संदूक समर्पित किया, जैसे ही संदूक को खोला गया एकदम झलमल प्रकाश चारों ओर छा रहा है, कह रही है ये क्या है। श्री सरस्वती जी निवेदन कर रही हैं कि जितनी भी देवी हैं उन सबों ने आपके इस राज्याभिषेक के अवसर पर ये भेंट तुच्छ स्वर्ग की ये आपको भिजवाई है, और बताती जा रही हैं कि ये सारी जितनी भी नदियां हैं उन्होंने समर्पित की है, ये किरीट मुकुट इंद्र की पत्नी शची ने समर्पित किया है, ये सुंदर सिंदूर कुमकुम ये शिव पत्नी पार्वती ने ये सिंदूर आपके लिए समर्पित किया है, नागों की जितनी भी पत्नियां हैं उन्होंने सुंदर कुंडल ये आपके लिए इस अवसर पर विशेष रूप से समर्पित किए हैं, ये परम सुंदर जो हार है ये एक हार मेरी तरफ से आपके श्री चरणारविंद में समर्पित है, ऐसे एक एक चीज बताती जा रही है। परंतु ललता जी मुंह बिचका करके ठीक है रख, जैसे उसको कहीं भाव नहीं दे रही है। श्री सरस्वती जी का मुंह उतर रहा है कि हमारी चीजों को भाव तो दिया ही नहीं जा रहा है, मानो कह रही है कि वृंदावन के वैभव के आगे ये स्वर्ग की जो संपत्ति भेजी गई इसकी क्या कीमत है। परंतु सरस्वती को दुखी देख करके श्री किशोरी जी बड़ी उदार वे कह रही हैं, बोले अरे सखी हम तो मानुषी हैं, आहा देवियों की कृपा देखो, हम मनुष्यों को स्वर्ग की ये स्वर्गीय संपत्ति ये आभूषण कहाँ प्राप्त हैं, हम तो पृथ्वी के रत्नों से अपना मन बहला लेती हैं, परंतु ये तो दिव्य आभूषण हैं, देवियों ने ये भिजवाए, ये मेरे ऊपर कितनी कृपा है, और ऐसा कहकर के बड़े आदर के साथ में उन आभूषणों को ग्रहण कर रही हैं। और उसी समय जब श्री प्रिया जी का विशाखा जी ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद में श्री प्रिया जी के मस्तक के ऊपर राज तिलक किया गया, सूर्य पत्नी संज्ञा छाया पौर्णमासी जी वहां पर उपस्थित हैं, उस समय जो श्री प्रिया जी के ऊपर राज्य तिलक किया गया, अब राज्य तिलक कहां से किया गया, बोल कोई श्यामल देवता खड़े हैं, है कोई श्यामल देवता सांवरे रंग के, वे पास में खड़े हैं,
उनके वक्षस्थल के ऊपर जो कुमकुम विराजमान है, उस वक्षस्थल पट्ट से कुमकुम अंगूठे में लेकर के और फिर श्री प्रिया जी के श्री मस्तक के ऊपर जो राज्य तलक किया गया, उस समय सब गोपिकागण अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है। और श्री प्रिया उनका श्रृंगार करके जब विराजमान हुई, अब वो जो संदूक आई थी उस संदूक में से एक बड़ा सुंदर हार उनको निकाल करके श्री एक मनीषा जी ने श्री श्याम सुंदर के कंठ में जो धारण कराया, सो ललता का मुंह चढ़ गया। बोलो, यहां पर भी ये ननदपना दिखा रही है, ये जो भेंट आई है वो आई है हमारी सखी श्री राधिका के लिए, परंतु सखी की जो भेंट है उसको बहन ने अपने भाई को दे दिया, ये एक नंशा ने इसको श्री कृष्ण को दे दिया, ये घर में झगड़ा कराएगी, ऐसा कहकर के श्री ललता जी उनने जैसे मुंह चढ़ाया है। श्री एक निशा बोली अरे ललता, बड़ी कंजूस हो, बड़ी तुम्हारे हृदय में बड़ी असूया है, यदि इतनी असूया कर रही हो, असूया कहते हैं गुण में दोष देखना, उसका नाम है असूया, तो यदि असूया ही कर रही हो तो लो, तुम्हारी सखी की चीज तुम्हारी सखी को ही धारण करा देती है। और ऐसा कहकर के जो माला श्याम सुंदर के कंठ में धारण कराई, उस माला को तो रहने दिया, और श्याम सुंदर पहले से कोई माला धारण किए हुए थे, उस माला को उतार करके श्री राधा रानी के कंठ में धारण करा दिया। सारी सखी ताली बजा रही है, कह रही है युगा सरकार की जय। श्री श्याम सुंदर की माला प्रिया जी के, प्रिया जी की माला श्याम सुंदर के, ऐसे जहां परिवर्तित होकर के अपूर्ण रूप से विराजमान। और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया जी का स्वागत करते हुए विराजमान है, स्वयं छड़ीदार बन करके आप विराजमान हो। अब कभी श्याम सुंदर ये देखें कि गोपिकागण पुष्प चयन कर रही हैं, तो पुष्प चयन करते समय श्री श्याम सुंदर कहें कोए कोए, हमारे इस कुसुम वन में कौन आ गया कुसुम सरोवर पे, ये नृत्य की लीला है। मध्यान्ह में श्री प्रिया जी सूर्य पूजन करने के लिए कुसुम सरोवर के ऊपर पुष्प चयन करती हैं, फिर छोटे भरना सूर्य कुंड में जाकर के श्री सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। तो श्याम सुंदर वहां पर आ जाए और कह रहे हैं तो कोए कोए, श्री किशोरी जी तो उस समय वृक्षों के बीच में फुलवारी के बीच में छिप जाए, और छिपकर के फुलवारी के बीच में से मुंह दिखा निकाल कर